हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्मी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम हमारे सेकंड चैनल अद्भुत ओजाना में एक नया वीडियो अपलोड कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये बता रहे थे कि मैं बांग्लादेश आर्मी के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को लेकर वीडियो बनाऊं और इसीलिए मैं आज इस वीडियो में बांग्लादेश आर्मी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर मशीन यानी कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को लेकर डिस्कस करूंगा, जिसको पहली बार के लिए 2016 में टर्की से खरीदा गया था और इस वॉर मशीन का नाम है ऑटोकार कोबरा 1। और 2016 में बांग्लादेश आर्मी के लिए इस ऑटोकार कोबरा का जो पहला वर्षन है यानी कि ऑटोकार कोबरा 1 को खरीदा गया था और तकरीबन 47 ऑटोकार कोबरा 1 को बांग्लादेश आर्मी में इंडक्ट किया गया था। और पिछले साल यानी कि 2019 में इस ऑटोकार कोबरा 1 का ही एक अपग्रेडेड वर्षन यानी कि ऑटोकार कोबरा 2 को बांग्लादेश आर्मी में इंडक्ट किया गया था और तकरीबन 115 ऑटोकार कोबरा 2 को बांग्लादेश आर्मी के लिए खरीदा गया था। और टर्किश कंपनी ऑटोकार का बनाया हुआ ये आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल दुनिया का टॉप आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में से एक है और इसको बहुत ही एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और टर्की का कंपनी ऑटोकार ये सारे आर्मी व्हीकल्स बनाने में पॉपुलर है और टर्की का जो इंडिजिनियस टैंक यानी कि अल्टाई टैंक को भी इस कंपनी के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश आर्मी में करेंटली ऑटोकार कोबरा 1 और कोबरा 2 ये दोनों वर्षन के कोबरा व्हीकल्स को ही ऑपरेट किया जा रहा है और इसका जो अपग्रेडेड वर्षन यानी कि ऑटोकार कोबरा 2 बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इसमें कोई भी मिशन को रात में अंजाम देने के लिए एडवांस्ड नाइट विजन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। और इसके अलावा अगर ऑटोकार कोबरा 1 और कोबरा 2 के कुछ स्पेसिफिकेशंस को देखें तो कोबरा 1 का मास है 6200 केजी और कोबरा 2 का मास है 12000 केजी। कोबरा 1 का लेंथ है 5.23 मीटर और कोबरा 2 का लेंथ है 5.6 मीटर। कोबरा 1 का विड्थ है 2.22 मीटर और कोबरा 2 का विड्थ है 2.5 मीटर। और अगर हाइट की बात करें तो कोबरा 1 का हाइट है 2.1 मीटर और कोबरा 2 का हाइट है 2.2 मीटर। तो हाइट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कोबरा 1 और कोबरा 2 के अंदर। और अब अगर इंजन की बात करते हैं तो कोबरा 1 में GM V8 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक वाटर कूल टर्बोचार्ज इंजन है और कोबरा 2 में 6 सिलेंडर का एक वाटर कूल टर्बोचार्ज डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और कोबरा 1 का इंजन मैक्सिमम 190 हॉर्स पावर को जनरेट करने में सक्षम है जहां पर कोबरा 2 का जो इंजन है वो तकरीबन 281 हॉर्स पावर को जनरेट करने में सक्षम है। अब अगर ऑपरेशनल रेंज की बात करते हैं तो कोबरा 1 यहां पर थोड़ा सा आगे है कोबरा 2 के मामले में क्योंकि कोबरा 1 का मैक्सिमम रेंज है 752 किलोमीटर और कोबरा 2 का मैक्सिमम रेंज है 700 किलोमीटर। और अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं तो कोबरा 1 का मैक्सिमम स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर यानी कि 72 माइल पर आवर और कोबरा 2 का मैक्सिमम स्पीड है 110 माइल पर आवर। तो मैक्सिमम स्पीड के मामले में कोबरा 2 कोबरा 1 से बेहतर परफॉर्मेंस करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि किस तरह के ऑपरेशंस में इन कोबरा व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, एंटी टैंक व्हीकल, रिकॉनसेंस व्हीकल, ग्राउंड सर्विलेंस रडार व्हीकल, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन व्हीकल और आर्मर्ड एम्बुलेंस, आर्मर्ड कमांड पोस्ट, इस तरह के रोल में ऑटोकार कोबरा 1 व्हीकल को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस व्हीकल से एंटी टैंक मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है जैसे कि TOW मिसाइल और स्पाइक मिसाइल और इसके साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल को भी इस व्हीकल से फायर किया जा सकता है। और अगर वहीं पे कोबरा 2 की बात करते हैं तो कोबरा 2 एक 4x4 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है और अपने साथ तकरीबन 9 पर्सनल को कैरी करने में सक्षम है इंक्लूडिंग द ड्राइवर एंड द कमांडर। और ये कोबरा 2 व्हीकल हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और लैंड माइंस। और इस कोबरा 2 व्हीकल को बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस के अलावा सिक्योरिटी और पीस कीपिंग ऑपरेशन और बॉर्डर प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कोबरा व्हीकल्स एक वॉर प्रूवन व्हीकल है क्योंकि टर्किश आर्मी कोबरा 1 को तकरीबन 1997 से इस्तेमाल कर रहा है और कोबरा 2 को 2013 से इस्तेमाल कर रहा है। और इस व्हीकल को अफगानिस्तान वार, कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट और कोसोवो वार में भी इस्तेमाल किया गया है और ये सारे जगह पे कोबरा 1 बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इसीलिए इस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को टर्की के अलावा भी बहुत सारे देश इस्तेमाल करता है यानी कि टर्की बहुत सारे देशों को ये आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल एक्सपोर्ट कर चुका है जैसे कि अजरबैजान, अल्जीरिया, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मालदीव्स एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ सीरियन नेशनल आर्मी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्लोवेनिया, पाकिस्तान जैसे देशों को भी ये आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल एक्सपोर्ट किया गया है।
तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये कोबरा वन और कोबरा टू आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल एक बहुत ही एडवांस्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है, नहीं तो इतने सारे देश इसको इस्तेमाल नहीं करता। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।